बैंगन के लिए हम एक बैंगन को धो के काट लिए थे। इसमें डाल रहे हैं हल्दी, रेड चिली पाउडर, नमक। अब ये सबको अच्छे से मिला लेंगे। मिला के 5 मिनट के लिए रेस्ट में रख देंगे। गैस ऑन कर रहे हैं, कढ़ाई चढ़ा दिए। कढ़ाई गरम होने के बाद तेल डाल दिए हैं, तेल भी गरम हो गया है। अब हम एक एक बैंगन को तेल में छोड़ेंगे अच्छे से फ्राई होने के लिए। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छे से कलर आया है। एक एक करके पलटाएंगे हम। गोल्डन ब्राउन कलर आया है, बैंगन हो गया है। अब हम निकाल देंगे। डेढ़ कप दही लिए हैं, इसमें डाल रहे हैं हम स्वाद अनुसार व्हाइट नमक और काला नमक। इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, अच्छे से मिला लेंगे। अब हम तड़का लगाएंगे। इसके लिए तेल ले लिए हैं। तेल गरम होने के बाद राई डाल रहे हैं। राई को थोड़ा देर के लिए फ्राई होने देंगे। अब हम डालेंगे सौंफ। अब हम इसमें डाल रहे हैं करी पत्ता। करी पत्ता को थोड़ा देर के लिए फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें एक टमाटर डालेंगे। टमाटर को थोड़ा देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब टमाटर भी गल गया है, चेक करके देख रहे हैं तो गल गया है। अब हम गैस को ऑफ कर दिए हैं। इसमें डालेंगे दही। गैस को ऑफ करके ही दही डालिएगा, क्योंकि गैस ऑन रहते आप दही डालेंगे तो दही फटने का चांसेस होता है। अब हम इसमें डालेंगे बैंगन, फ्राई करके रखे हुए थे। तो दही के साथ बैंगन को अच्छे से मिला लेंगे। नए बैंगन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं जीरा पाउडर और चिली फ्लेक्स। स्मेल अच्छा आएगा, टेस्ट भी अच्छा लगता है।